बिजनौर के थाना धामपुर पुलिस का आज हम आपको असली चेहरा दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में जकड़ा ये मासूम चेहरा कोई कुख्यात अपराधी नहीं और उसने ना कोई जुर्म किया। दरअसल धामपुर के रहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार मूलचंद चौहान के गनर की उस वक्त जेब कट गई थी जब वो एक शादी समारोह में मंत्री के साथ गया था। की जांच के लिए मैंने SPRA को नियुक्त किया है, उनको भेजा है, वो इस प्रकरण की पूरी जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी पुलिसकर्मी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध मेरे द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध दरगाह कलिया शरीफ को अदब का मरकज माना जाता है, लेकिन साबिर साहब के उर्स में इस अदब की महफिल को कुछ लोग बुरी तरह से भूल जाते हैं। आलम यह है कि रात भर एक पंडाल में किन्नरों ने जमकर मुजरा किया। इतना ही नहीं, पंडाल के आयोजकों ने भी रही सही कसर पूरी कर दी। उन्होंने भी किन्नरों के साथ मिलकर जमकर डांस किया और नोट उड़ाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन इसे रोक पाने में नाकाम साबित हुआ। देखिए, पिछली बार की तरह जैसे झूले पे हम लोगों ने इस बार झूला नहीं हो पाया था, तो उसमें ये शिकायतें रहती थी कि उसमें स्टेज तरह के डांस होते हैं, लेकिन कव्वाली का क्योंकि ये ट्रेडिशन है तो कव्वालियाँ लगातार चल रही हैं, सब जगह कव्वाली चल रही है। बाकी देखिए जो ट्रेडिशन है वो चल रहे हैं। सर जिस तरीके से डांस तो देखिए मना था, हर चीज़ किसी के लिए मना था। देखिए अगर हो रहा है तो इस पर निश्चित रूप से हम बात करते हैं, कार्यवाही करते हैं। असल की जिम्मेदारी है कि कोई भी हिजड़ा या यहाँ किसी किस्म का बुरा काम हो रहा हो या नाच हो रहा हो या सो लग रहे हो ऐसे, तो प्रशासन को चाहिए, उत्तराखंड प्रशासन से मैं अपील करता हूँ कि वो इस जिम्मेदारी को अपनी पूरे तरीके से निभाए कि यहाँ कोई भी ऐसा काम ना हो जो हजरत साबिर पाक का नाम बदनाम हो। मुलायम सिंह और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाज के नारे लगाती ये भीड़ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के हरदुआगंज थाने के एक गांव की है, जो अपनी एक बेटी के साथ रेप और निशंस हत्या के बाद सरकार के खिलाफ बगावत पे उतर आई है। इनकी बगावत की आग में घी डालने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों के प्रदेश स्तर के नेता गाँव में ग्रामीणों के साथ अनशन पर बैठ गए हैं। वाराणसी में उत्तर प्रदेश BJP अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी सांसद नरेंद्र मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर लोगों की जन समस्याएं सुनने आए। BJP अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि अमर सिंह के समाजवादी पार्टी में आने की संभावना को देखते हुए आजम खान जी संयम और आपा खो बैठे हैं। इस प्रकार के अनर्गल और अमर्यादित बयान देना उनकी आदत हो गई है। मेरा ये कहना है कि सुधर जाए, जनता सुधार देगी। मऊ जनपद में एक सनसनी मामला सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मी ने जेल में बंद आजीवन कारावास की सजा पा चुके एक कैदी को शहर के एक मॉल में जमकर कराई खरीदारी। ये पूरा वाकया CCTV कैमरे में कैद हुआ। ये सूचना प्राप्त हुई थी और उसका नाम प्रकाश में आ गया है। जिन लोगों ने साफ तक ले गए थे उनका नाम आ गया है, उस पर जाँच कराई जा रही है। जाँच में तथ्य आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दसगांव पुलिस ने उस्मानाबाद जिले में खून करने के इल्जाम का आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। पुलिस अधिकारी जितेंद्र शाह ने और पुलिस कर्मचारियों ने फरार हुए आरोपी को छापा मारकर गिरफ्तार किया। एक मर्डर केस में महेश वसंत चिरवंते के कोर्ट में जमानत देने के बाद बहुत ही लापता था, वो लापता आरोपी हमको आज पांचों में ताजा ये जो है इसे समझने के बाद हमारे पास वो बैठे और हम खुद वहाँ जाके उसको अरेस्ट किया। अलीगढ़ के अकराबाद के कासिमपुर गांव में चारा लेने गई किशोरी की मदद के नाम पर बलात्कार का प्रयास नाकाम होने पर युवती को चाकू से किया घायल। घायल युवती का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी की। खेत पर गई तो वो मैं खेत की मेड़ पर खड़ी तो लाह में आ गया और मेरा हाथ पकड़ के खींच ले गया। फिर और उसने बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैंने लात मारी तो उसने चाकू से गोद दिया। मेरा नाम है श्री गिरधारी सिंह और हमारी लल्ली है पप्पी कुमारी। वो अपने खेत पर चारा लेने गई थी तो लागे पत्ता सूत रही वहीं है, मतलब ये कि चंद्रपाल का लड़का देवेश है और वहाँ आ गया अकेली देखे और छोरी को खट उसे में लाम पकड़ लिया उसने, उससे खूब हाथापाई करी, छोरी ने हाथापाई करी तो उसने चक्कू से तमाम गोद दिया, 10-12 टकोनी तो चक्कू लग रहे हैं उसके। ये लड़की खेत में काम कर रही थी, उसने अपने पड़ोसी जो उसके गांव का पड़ोसी है उसे मदद के लिए बुलाया बोझा उठाने के लिए, तो उस लड़के ने 3 इंच के चाकू से उस पर 3 वार किए
और उसे खेत में खींच के ले जाने का प्रयास किया। नागपुर जिले के मानव धर्म सेवकों द्वारा नागपुर जिले के अरोली में नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में समूचे नागपुर जिले सहित देश के विभिन्न राज्यों के लोगों ने सहभागी होकर समाज में नशा मुक्ति भारत सुखी का संदेश दिया। मेरा भारत देश व्यसन मुक्त हो और पूरे संसार में पूरे जग में इसकी अभियान ये चला है और ये सारे लोगों को व्यसन मुक्ति से साफ करने के लिए और अच्छा जीवन जगने के लिए उनका जीवन का उद्धार होने के लिए ये रैली का मैंने व्यसन मुक्ति का रैली का मैंने आयोजन किया हूँ। इस रैली में मेरे तरफ पूरे महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रायपुर दिल्ली से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सब लोग यहाँ पधार के इसके सब लोग अभियान का इनका फायदा लेके सारे जग को कैसा प्राप्त मिले ये क्रांति करने का काम ये अभियान की तरफ से मैंने किया हुआ है। अलीगढ़ बाबा बरछी बहादुर की दरगाह का इतिहास अपने आप में बहुत कुछ ऐसा समेटे हुए है जो यहाँ आने वाले हिंदू मुस्लिम व अन्य सभी धर्मों के लोगों को अपनी ओर खींच लेने का जज्बा रखता है। इस दरगाह की खासियत यह है कि यहाँ आने वाला कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटता। बताया जाता है कि यहाँ पे ब्रिटिश काल में एक मिट्टी का टीला हुआ करता था। उस मिट्टी को टीले को खोदकर जब यहाँ पे ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजों ने रेल की पटरी बिछानी चाही तो वो सुबह के टाइम शाम को वो रेल की पटरी बिछा कर जाते थे। जब वो अगले दिन सुबह आके देखते तो यहाँ पे पटरियाँ उखड़ी मिलती। इस बारे में बात सरकार बरछी बहादुर की फैज का और जरिया उस वक्त हम जानते थे जब पटरियाँ बिछाई गई अंग्रेज बड़े बड़े साइंसदान जब फेल हो गए नाकाम हो गए और बाबा के करामत को उनके फैज को सारे लोगों ने तस्लीम किया उससे और इसके मानने के लोग और ज़्यादा जुड़ गए। जब से और 150 साल से लोग और ज़्यादा जुड़ रहे हैं आज लाखों की तादाद में बाबा के दर पे आते हैं। बाबा बरछी बहादुर पे सभी धर्मों के लोग माथा टेकने आते हैं और कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। ऐसी है बाबा बरछी बहादुर की दरगाह। अलीगढ़ से CTN न्यूज के लिए अजय कुमार। विश्व को शांति का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारियां सारी दुनिया में कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। मेरठ में सेंट थॉमस चर्च में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाया गया। मेरा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सबको बहुत सुंदर सजा हुआ है और मैं हमेशा आती हूँ हर उस पे 25 दिसंबर को हमेशा आती हूँ। मैंने जो भी मांगा आज तक सब कुछ प्रार्थना मेरी पूरी हुई है इसलिए मैं हमेशा ही आती हूँ। अभी हम लोग आए हैं, हम लोगों ने यहाँ प्रेयर की है कैंडल्स जला के एंड फादर ने प्रेयर्स कराई हैं और जो हम मांगते हैं वो कभी बताया नहीं जाता है वरना सुना है तो इसलिए बस वो क्या आपसे शेयर करें। इस वक्त हम खड़े हैं मेरठ के सेंट थॉमस चर्च पर और यहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार पूरी तरह से धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, आज क्रिसमस आप किस आज क्रिसमस है, प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तो आज हम सुबह से यहाँ पर आए थे। सुबह से मोमबत्ती जलाई है, फादर ने प्रेयर की है और हमने अपने देश की शांति के लिए और बहुत सारी मन्नतें मांगी हैं तो मैंने अधिकतर देखा है कि जो भी मन्नत यहाँ पर मांगी जाती है वो पूरी होती है। और प्रभु यीशु का जीवन बहुत ही कठिनाई भरा रहा है तो हम भी उनसे सीख लेते हैं कि अपना कर्म करें और अपने फल की चिंता ना करें। तो बस यही है कि कठिनाइयों भरा जीवन है तो उसको जी रहे हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उनका यही कहना है इस चर्च में जो भी विश मांगी जाती है वो 100% पूरी होती है। सादिक खान, CNews मेरठ। सहारनपुर के थाना बेहट के गांव लोधीपुर में एक घर में रात को आग लग जाने से पूरा घर जलकर राख हो गया जिसमें घर में सो रहे दो मासूमों की आग में जलकर मौत हो गई। आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। कुशीनगर के पंडरोना तहसील के नंदलाल छपरा गांव में रहने वाले एक परिवार के साथ कुदरत ने घोर अन्याय किया है। इस कुनबे की 3 पीढ़ियां जनमान पैदा हो रही है। एक तरफ जहां कुदरत ने इस परिवार के साथ अन्याय किया तो वही प्रशासनिक अमले ने भी इस परिवार से आंखें फेर ली जिससे ये परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तसगांव पुलिस थाने के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता और महाराष्ट्र के भूतपूर्व गृह मंत्री और स्वर्गीय RR पाटिल की बेटी सिमता पाटिल और कार्यकर्ताओं ने अवैध धंधे पर पुलिस कठोर कार्रवाई करे इसलिए एक दिन का अनशन आंदोलन किया। पाटिल साहब इस राज्य के गृह मंत्री थे जब इस मटका बंदी को अच्छी तरह से दखल अंदाज उन्होंने किया था, अच्छी तरह से चाप बैठा था लेकिन आज हमने देखा तो युवती सरकार पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। तो
रुकना चाहिए, इसलिए हम राष्ट्रवादी युवक और सब महिलाएं हम आज इकट्ठा होकर उपोषण कर रहे हैं। जब उन्होंने सपोज उन्होंने अब इस उपोषण को दुर्लक्षित किया तो हम उसका स्वरूप सिर्फ जिला स्तरीय न देकर राज्य स्तरीय भव्यव्यापी हम आंदोलन करेंगे और उसको चाप बैठने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। राजनीति के महापुरुष कहे जाने वाले भाजपा के सतम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर जहां पूरे देश में उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, तो वही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सामाजिक संस्था इनोसेंट लाइट फाउंडेशन के तत्वाधान में 80 घाट पर गरीब बच्चों में कंबल और बैलून वितरण किया गया। छोटे बच्चे जो उनकी माताएं हैं जिनको ठंडी में दिक्कत होता है, गर्म कपड़े नहीं हैं, जिन लोग लाइफ में खुशी नहीं देखे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि 25 तारीख के इतने बड़े उपलक्ष्य में उन लोग को एक जगह केंद्रित करके थोड़ी सी खुशी बांटी जाए। इस खुशी में हम लोगों ने कंबल, उनके लिए जैकेट, केक उसके लिए उन लोग के रिफ्रेशमेंट स्नैक्स सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया। और हम लोगों ने ये क्षेत्र 80 इसलिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया क्योंकि 80 आज के टाइम पे बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। नरेंद्र मोदी जी के मतलब आशीर्वाद से स्वच्छ भारत अभियान इतने अच्छे से चल गया कि पूरा घाट इतना साफ सफाई है, इतने अच्छा यहाँ का माहौल है कि बच्चे खुश रह सकते हैं, उनके मुंह में थोड़ा सा स्माइल आ सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर बीजेपी सांसद अम्बेडकर नगर चिकित्सालय में पहुंचकर सभी वार्डों में मरीजों को फल वितरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी किया। जन्म दिवस है उसके अवसर पर हमने गरीबों को जो हमारे असहाय थे, मरीज थे बेचारे, उनको फल वितरण का कार्यक्रम हमारी पार्टी की तरफ से किया गया। और रक्तदान के लिए मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के नौ उत्साही जितने भी सैकड़ों की तादाद में हमारे युवाओं ने रक्तदान देने का संकल्प लिया, किसी भी असहाय को अगर रक्त की ज़रूरत कभी भी पड़ती है तो उसको निःशुल्क हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता है वह देने के लिए तत्पर है। बड़ी खुशी की बात है कि एक नए चैलेंज का लॉन्च बुलंदशहर में सीएन के नाम से किया गया है। निश्चित ही मुझे पूरा विश्वास है कि ये चैनल किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की आवाज़ को उठाता रहेगा, लोगों से इसको आवाज़ से फ़ायदा मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपनी बहुत तरक्की पे, बहुत ऊंचाइयों पे चैनल पहुँचे, बहुत बहुत शुभकामनाएं।